नमस्कार और आप देख रहे हैं पर्पल और इस समय एक बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह का बयान, क्या बाबा राम रहीम को एक दिन की जमानत मिली थी? जी हां, जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह ने एक विशेष बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 24 अक्टूबर को राम रहीम को पैरोल पर भेजे जाने का विशेष नियमानुसार से पुलिस लेकर आई थी। बीमार माँ को मिलने के लिए राम रहीम को एक दिन की जमानत मिली थी। जेल के नियमों के अनुसार ये पैरोल दी गई। एक दिन के लिए पैरोल पर भेजने के लिए जेल अधीक्षक के पास इसका विशेष अधिकार होता है। पलपल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। हरियाणा के जेल एवं बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने 24 अक्टूबर को बाबा राम रहीम के पैरोल पर भेजे जाने के लिए विशेष बयान दिया है। उनसे बाबा राम रहीम के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राम रहीम को उनकी बीमार माँ को मिलने के लिए एक दिन की पैरोल दी गई थी। उन्होंने कहा कि जेल के नियमानुसार ही यह पैरोल दी गई थी और पुलिस की कड़ी सुरक्षा के तहत उन्हें गुरुग्राम में उनकी मां से मिलवाया गया। उन्होंने कहा कि एक दिन की पैरोल पर भेजने के लिए पुलिस व जेल अधीक्षक के पास अधिकार होता है। जेल के नियमानुसार ही उन्हें गुरुग्राम में उनकी बीमार माँ से मिलने के लिए भेजा गया था। उन्होंने कहा कि राम रहीम के विशेष देखते हुए और क्योंकि यह एक विशेष केस है, इसलिए अगर ज़्यादा समय की मांग की जाती तो इसके लिए सरकार से अनुमति लेनी होती है, लेकिन पैरोल एक दिन की दी गई थी, इसलिए ये विशेष अधिकार अधीक्षक के पास होता है। पुलिस एक दिन के लिए इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है और जो पैरोल के नियम हैं उन्हीं के अनुसार उन्हें पैरोल दी गई। आप देख रहे हैं पलपल की एक खास रिपोर्ट। जो 13 अगस्त 17 गुरुग्राम में हमें उसको बेल मिली थी एक दिन के लिए। हाँ बिल्कुल, हुई थी 24 तारीख को, पिछली को अपने मदर से मिलने गए थे, वो हॉस्पिटलाइज थी। प्रोविजन एक है बेल में कि जब भी कहीं किसी के इमरजेंसी हो तो उस कैदी को ले आया जाता है, यानी कानून में है, और उन्हें लेके गया था। जैसे पूरी पुलिस कस्टडी में गए थे, सब चीज़ें सामने देख के सरकार ने अपना असेस करके उन्हें दिया। पर एक रेगुलर फीचर है बाबा जी के मामले में, तो आपने पूछ लिया कितने लोग जेलों से और जा रहे हैं, उस लोगों को हम कैसे चेक कर सकते हैं? अगर ज़्यादा समय के लिए होता, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, एक दिन से फालतू, तो एक दिन तो पुलिस का अधिकार है, जेल स्टूडेंट लिख सकता है, उसकी अपना प्रिव्यू है और उसमें ले जाके उन्हें मिलवा के ले जा सकता है। पर अगर ज़्यादा समय के लिए हो तो फिर क्यों, कोर्ट मैटर भी था, स्टेट गवर्नमेंट का भी था, फिर दोनों से ही कंसल्ट किया जाता है। ये आपके नोटिस में तो पहले ही हो गई। हाँ मुझे पता था जी, पर बताने की बात नहीं थी, मीडिया ने पूछा, मैं तो जिस दिन लेके गए थे उससे पहले दिन से पता था। सर बाबा जी को गुरुजीत को बेल मिली आने के लिए, तो क्या सिरसा आने के लिए भी उनको ऐसा कोई आगे, जब कोई ऐसा मामला आएगा तो जरूर देखेंगे, सोचेंगे, उसमें सारी चीज़ें एग्जामिन होती है, क्योंकि उनका स्पेशल केस है। समझता हूँ पूरे उसने कराए, ठीक कराए, होना भी चाहिए, कोई तो लीड लेता है। ऐसा बताऊँ हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सब सदस्यों ने कराए तो ठीक कराए, पूरा देश लग रहा है, मोदी जी भी लग रहे हैं, लोग भी चाह रहे हैं, और पूरे यूरोप में, दुनिया में ये है। आखिर अब शिक्षित जमाना आ गया, आपको लेडीज को जो पहले जिस तरीके से रखा जाता था वो तो नहीं, उन्हें आगे आना चाहिए, वो भी हमारे साथ हर जगह IAS IPS में टॉपर रहे हैं, वो तो उन्हें क्यों सोचा जाए कि उन्हें सेकंड रेट पे रखा जाए, उनका भी हक बनता है। लॉकडाउन के मामले में भी लोगों ने अपने आप करा, लोग समझते हैं पॉल्यूशन है तो बिना बात के जिससे धुआं हो ज़्यादा उठे, एक छोटे बच्चों का है, वो अपने छोटे आतिशबाजी वगैरह वो करने, बाकी सरकार की तरफ से पूरी कोशिश होगी कि कम, जितना कम हो, सेलिब्रेशन होनी चाहिए पर लाइट से और चीज़ों से हो जाए। हम कोई किसानों के खिलाफ नहीं, उनका अपना राइट है, वो करें विरोध, हम भी कभी करते थे, पर मैं एक समझता हूँ कि या तो समझने में कहीं गलती रही है, पार्लियामेंट के पूरे बिल को पढ़ो तो उसमें किसान पे कहीं आघात नहीं रहा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर कहीं ट्यूबवेल का कनेक्शन लेना है ना, उसमें भी फार्मर से वो लिया जाता है कि आप अपना हमें सहमति दें। ज़मीन कोई कंपनियां कैसे ले सकती है, बेकार का हल, MSP पे दिया जा रहा है। मेरा अपना ख्याल है कि अब के और सालों से जल्दी फटाफट बाजार में
चाहे आपका धान आया, चाहे नरमा कोटन आई, कपास आई, सबको तुरंत खरीदा गया, साथ ही साथ पेमेंट हुई है। कोई जो दिक्कत एक आढ़तियों की तरफ से ऑर्गेनाइज था, थोड़ा कांग्रेस का भी इसमें रोल था, तो कर रहे हैं। अब वो जो यहाँ किसान के धरने में उनके कोई खिलाफ कुछ नहीं कहना चाह रहा, पर मैंने तो 20 गाँव में मैंने दी है किसानों का भला। हम सोच रहे हैं अब भी जो करके आ रहा हूँ किसानों के लिए कर रहा हूँ, खाड़ पक्के बनवा रहा हूँ, नहरों का पूरा बेसमेंट पक्का बनवा रहा हूँ, ये किसानों के काम है ना जी। देखिए लोगों के अपने विचार हैं, उन्होंने वोट डाल दिए, मैं तो एग्जिट पोल को मानता नहीं। एग्जिट पोल को भी कुछ कहता है, कभी कुछ कह रहा है बिहार का, कुछ कह रहा है कभी हरा रहा है। 15 दिन पहले गठबंधन को जिता रहे थे, अब तेजस्वी को जिता रहे हैं। तो मीडिया का अपना असेसमेंट होता है। मेरा अपना मानना है कि बीजेपी जीतेगी, फाइट टफ है, मार्जिनल हम निकले गए।